देख सक रहे हैं आप उसी बार बन रहे वीडियो प्रॉब्लम कमेंट लाइक सब्सक्राइब। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में होने क्या वाला है। हम इन दो बैटरी की मदद से बनाएंगे एसी पावर जो कि इसमें दिखेगी और हम चलाएंगे एलईडी स्क्रीन को। क्या होता है हम ये आपको बताएंगे सिर्फ एक सिंपल एक मोटर और दो बैटरी की मदद से। ये जो है ये जनरेटर मैंने बनाया है, इसको जलाने से बैटरी चार्ज होती है। ये लाइट ब्लिंक करते हैं इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, इसको घुमाने से बैटरी चार्ज होती है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है तो जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी ये दोनों बैटरी से हम बनाने वाले हैं एसी कन्वर्ट करने वाले हैं। तो मैंने आप इस वाले मोटर के अंदर में जो लगे रहता है ये वाली मैगनेट, आप इसको निकाल लेंगे और बाहर के जो फैन रहते हैं उसको काट लेंगे किसी भी चीज़ से। काटने के बाद उसको अलग कर देंगे ये वाले पार्ट को, और ये वाले पार्ट को जो मैंने बनाया है ये वाले पार्ट को पैन को गर्म करके इसमें डाल देंगे ऐसे, और मोटर को ऐसे फिक्स कर देंगे ऐसे डाल देंगे। ये सॉकेट आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, ये अपना बन गया। ये बनने के बाद अपन आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा पहले घुमा के, बराबर मेरा घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। हमारा ये वाला जिससे हम पावर एसी पावर बनाने वाले हैं ये कनेक्ट है हमारे बोर्ड से, और जो बीच में जॉइंटर है उससे कनेक्ट है हमारा मल्टीमीटर। मतलब कि जो यहाँ पावर बनेगा वो हमको मल्टीमीटर में भी दिखेगा और बोर्ड में भी जाएगा, और बोर्ड से जाएगा हमारा एलईडी स्क्रीन पे। हम एलईडी स्क्रीन चलाने वाले हैं। तो पहले एक बैटरी की पावर यहाँ से हमको मिल गई, दूसरी बैटरी की पावर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये बैटरी की पावर बन गई। बैटरी की पावर बनने के बाद आपको सिंपली ये जो घूम रहा है इसको इसके अंदर डाल देना है और देखते हैं होता क्या है। देख सकते हैं आप उसी पावर बन रहे हैं। मैं आपको बता देना क्या चाहता हूँ, इसमें से एसी कन्वर्ट हो रही है बट जो एम्पेयर है बहुत ही कम हो रहा है। एसी इसमें से कन्वर्ट हो रहा है, इसमें से एसी इस पे जा रहा है, मल्टीमीटर में दिख रहा है। पहले आपने देखा मैंने जब एलईडी को लगाया था तब ये 250 वोल्ट जाता था, मतलब 250-240 वोल्ट जाता था। इसको चलने के लिए 240 वोल्ट चाहिए, 250 वोल्ट जाता था, ये एलईडी ऑन होती थी वोल्टेज तुरंत डाउन हो जाता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जनरेट हो रही है बट इसको पूरी तरीके से पावर मिल नहीं पा रही, जो एम्पेयर है इसको मिल नहीं पा रही। ये पावर कंज्यूम कर रहा है और यहाँ से डाउन कर दे रहा है, मतलब कि ये जो इतनी पावर इधर भेज रहा है और उसमें पूरी मतलब पूरा जितना इसको चाहिए उतना पावर ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। 240 वोल्ट दे रहा है पर एम्पेयर नहीं दे पा रहा है। तो इसके मदद से आप छोटे मोटे चीज़ चला सकते हैं बट इस जैसे बड़े चीज़ को आप नहीं चला सकते। अगर ये बाय द वे हो सकता है ज़्यादा वाट का रहता है और वाइंडिंग इसकी तकड़ी रहती है तो हो सकता है उसको पावर जितनी ये निकाल सके जितनी की एलईडी कंज्यूम करती थी। इसमें कंक्लूजन ये निकला है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं छोटे सामान में, पहला ये। दूसरा ये 250 वोल्ट निकाल रहे हैं अप्रॉक्स 300 से 300 वोल्ट का ये मोटर होगा, 250 वोल्ट निकाल रहे हैं जो कि एलईडी ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है तुरंत बंद हो जा रहे हैं, मतलब कि पूरा पावर उसको दे नहीं पा रहा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा।